For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Finally, वो पिक्चर आउट हो चुकी है जिसका इंतजार हम सभी को था. Yes, well, hello guys, welcome to Movies Adda. This is your host and those Jyoti Nahak. सलमान खान की नीस जिन्होंने जन्म लिया सलमान खान के ही बर्थडे पर और कहने के सलमान को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है खुदा की तरफ से, अर्पिता और आयुष की तरफ से, यानी कि आयत के रूप में ये तोहफा आया है. हम सभी ईगरली इंतज़ार करते कब सलमान खान की कोई पिक्चर आएगी आयत के साथ और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है. आज ही जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो आयुष ने फोटोज़ शेयर की है आयत की, जहाँ पर आहिल, अर्पिता और आयत ये तीनों एक साथ नज़र आ रहे हैं. ऐसे में यू नो सलमान की फ़ोटो अभी अभी वायरल हुई है जहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं बीबी आयत को पकड़े हुए हाथ में. और माशाल्लाह नज़र ना लगे इस फोटो को, दोनों ही दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. और साथ ही साथ सलमान को बच्चों से कितना लगाव है ये हम सभी जानते हैं. जब वो आहिल से इतना प्यार करते हैं तो अब फाइनली एक बेबी डॉल, एक एंजल आई है घर में आयत, उससे सलमान कितना प्यार करेंगे हम सोच भी नहीं सकते. सलमान इज़ ऑलरेडी इन लव विद द फादरहुड थिंग. ये फादरहुड का कॉन्सेप्ट ही सलमान को बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे में आयत के साथ में ये जो फोटो वायरल हो रही है, जो फोटो आई है, ये देखकर हम सब बहुत खुश हैं. और आप ये फोटो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं अगर तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बोलिएगा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. सलमान खान के पास 101 से भी ज्यादा रीजंस हैं खुश होने के और अपना बर्थडे लगातार सेलिब्रेट करते रहने के लिए. वेल ऑफ कोर्स बिग बॉस सलमान की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और ऐसे में बिग बॉस के सेट पर सलमान का बर्थडे सेलिब्रेट ना हो ये कतई नहीं हो सकता. जी हाँ, अभी अभी सलमान का बर्थडे गया है 27 दिसंबर को, जहाँ पर उनकी नीस जो है वो भी उस दिन बॉर्न हुई. बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड बाय सलमान खान ऑन हिज बर्थडे. ऑफकोर्स आयत का बर्थडे हुआ. ऐसे में सलमान खान का बर्थडे तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बिग बॉस के सेट पर सनी लियोनी पहुंची है सलमान का बर्थडे सेलिब्रेट करने. यस, स्पेशल अपेयरेंस करती नजर आई सनी लियोनी, जहां पर वो सलमान का केक कटिंग करते नजर आई, बर्थडे केक कटिंग. और साथ साथ सलमान का डायलॉग बड़े क्यूट अंदाज में बोला, दबंग 3 का डायलॉग. एक होता है गुंडा, एक होता है पुलिस, एक होता है पुलिस वाला गुंडा. डिश क्या हो. तो बड़ी ही क्यूट अंदाज में सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आई, साथ ही साथ घर के अंदर भी गई. आज के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं गुत्थी भी नजर आने वाली है, जो कि सलमान के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांस करती नजर आएंगी और उसके साथ साथ घर के अंदर भी जाएंगी वो. सो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी. सो आप लोग भी सलमान को अभी भी लगातार कंटिन्यूसली बर्थडे विशेस दे सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू. कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. जब एक औरत माँ बनती है तो एक बार माँ बनती है, लेकिन जो रिश्ते उसके साथ बनते हैं मामा, दो बार माँ जुड़ता है, यानी कि प्यार भी दुगना होता है. ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्टली क्या है मुझे याद नहीं है, बट स्टिल. हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक. सलमान खान मामा बन चुके हैं और इसी खुशी को उन्होंने कल तो मीडिया के सामने जाहिर की ही. कल उनका जन्मदिन था और बर्थडे के इस ओकेजन पर बेस्टेस्ट गिफ्ट उन्हें मिला है आयत का, जो कि उनकी भांजी है. ऑफकोर्स आयुष और अर्पिता ने उन्हें ये वर्ल्ड बेस्टेस्ट गिफ्ट दिया. इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ हो ही नहीं सकता था. अब इस पर अगर मैं बात करूं तो सलमान ने खुद ट्वीट कर थैंक यू कहा है आयुष और अर्पिता को और पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया है कहीं ना कहीं आयत से. और ये कहा है कि ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए. और ऐसे में सलमान ने ये भी लिखा है कि मैं दुआ करता हूँ जो भी इस ट्वीट को पढ़ रहा है वो आयत तक अपनी विशेस पहुँचाए, उन्हें यू नो आशीर्वाद दे अपना, और आई होप कि बड़े होकर वो सभी को प्राउड फील कराएगी. सो कहीं ना कहीं सलमान ने अपने दिल खोलकर अपने जज्बात सामने रख दिए हैं और सलमान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इससे खूबसूरत बर्थडे का तोहफा हो ही नहीं सकता था. सलमान के बर्थडे के दिन यानी कि अब जिंदगी भर के लिए दो सेलिब्रेशन होंगे, एक आयत का बर्थडे और एक सलमान का बर्थडे. सो कहीं ना कहीं बेस्टेस्ट गिफ्ट. आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में. मैं हूँ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. सलमान जी बैक किस तरह से हुई है आपके, इतने जो डेडिकेटेड फैंस हैं सर, होने के बावजूद जिस तरह से लोग फिल्म देखने गए हैं और आज भी एनकाउंटिंग, तो वी वांट टू नो आप जिस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं. रिएक्शंस तो अभी बहुत सारे मिल रहे हैं. एक तो दबंग के ऊपर बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले. वो जो नंबर जिस पे हम लोग
वी वर गोइंग टू ओपन, वो नहीं हो पाया, बट वी आर हैप्पी विद दिस ऑल्सो, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस कि पीपल आर गोइंग टू सी द फिल्म एंड इन ट्रबल टाइम्स. सो वी आर वेरी, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि यू नो जो हमको फैंस इतना सपोर्ट मिलता है कि वो खुद की हार्ड अर्न यू नो कमाई जाके यू नो दे गो टू थिएटर्स एंड दे गो स्पेंड दैट ऑन अस. सो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, और उसी के लिए ताकि उनके पैसे वेस्ट ना जाएं, वी ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड. अब ये गुड न्यूज़ ऑल्सो इज ओपन एंड द फिल्म रिपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड. So hope this film also it becomes Aki's biggest hit. So every film should do well. Salman ji, hamari khuli hai aur unki nahi khuli hai, sab bakwas. I would have been the happiest ki agar Aki ki picture humse badi opening leti. Salman ji, weekend plans for your birthday celebration. I know Aki is a dear friend of mine and I always wish him all the best. And now we are coming back together. अभी तो एक हफ्ते का gap रहा है. Now we coming back together on Eid. And I hope that his film does as well or better than our film. So all the best, all the very best to him. अलमान जी मैं तो ये बंदे हैं. इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. सबसे best gift जो इस बार हमें मिली है पूरे family को, वो है this newborn baby in the house and we are very happy, बहुत खुश हैं. तो बस यही है जन्मदिन दबंग एंड आयत. कभी कभी हर किसी को गाइड की ज़रूरत होती है. जी हाँ, गाइडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, खास करके तब जब आपको खुद पता नहीं चल रहा कि आप सीधे रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर. और वही गाइडिंग लाइट बनकर आए हैं रोहित शेट्टी घर के अंदर. यस, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. बिग बॉस के घर में रिश्ते हमेशा बदलते आए हैं, लेकिन कभी कभी जज्बात इतने बदल जाते हैं कि उन्हें सुधारना मुश्किल हो जाता है, जो कि आसिम और सिद्धार्थ के केस में मुझे नजर आता है. एक टाइम था जब दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जा रही थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के बिल्कुल एंटी हो गए हैं, क्योंकि अग्रेसिव सिद्धार्थ भी हैं और अग्रेसिव आसिम भी हैं. कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस बात को मानेंगे जो कि सिद्धार्थ ने स्टार्टिंग में भी कहा था, अपने आप को देखते हैं सिद्धार्थ आसिम में. जी हाँ, आसिम
मिनी सिद्धार्थ शुक्ला लगते हैं, चाहे हाल ही में जिस तरीके से दोनों जजिंग पैनल में थे कल के एपिसोड में, दोनों एक ही तरह से बैठे थे, एक ही तरह का स्टाइल था, हाँ एक ही तरह का इम्पल्सिवनेस है दोनों में, कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जो है वो एंटी आसिम नहीं है, लेकिन आसिम एंटी सिद्धार्थ बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो गए हैं। रोहित शेट्टी जब घर के अंदर आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है आसिम को भी और सिद्धार्थ को भी, वहाँ पर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर, एज अ सिद्धार्थ फैन, एज अ बिग बॉस फैन, एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो, कहना कि मुझे तकलीफ तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ दिखाई दे गई कि सिद्धार्थ ने काफ़ी दिल से लगा कर रखा है आसिम को, जिसके वजह से जब आसिम एंटी सिद्धार्थ हो गए हैं, सिद्धार्थ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँची है। और वो जो आंसू थे ना, वो गुस्से के आंसू नहीं थे, जी हाँ, वो जो आंसू सिद्धार्थ शुक्ला के निकले हैं वो दर्द के आंसू हैं, वो इस बात के गवाह है कि सिद्धार्थ इज बींग हर्ट बाय आसिम। और आसिम के फेस पर एक ये था कि हाँ सर आकर डांट रहे हैं, तो ही वॉज लिसनिंग, ही वॉज, एक शिकंज थी उनके चेहरे पर, लेकिन फिर भी जो एक तकलीफ होती है ना रिश्ता टूटने की या फिर सामने वाले से हर्ट होने की, वो आंसू सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में थे। अब आप इस चीज़ पर मुझे बताइए आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या ओपिनियन है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ और आसिम के रिश्ते जो है वो सुधर जाएंगे रोहित शेट्टी सर के समझा के जाने के बाद, ये आप मुझे बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस से ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो ऐसे में जब ये दोनों स्टार्स एक ही फिल्म में काम करें तो फिर आउटकम तो धमाकेदार होगा ही। वेल, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब किसी ने अक्की से सलमान खान के साथ काम करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यस व्हाई नॉट, इफ थिंग्स वर्क आउट वी वुड लव टू डू इट, मुझसे शादी करोगे 2 इज अ ग्रेट आइडिया, Sajid Nadiadwala should make something. We would love to do it. I have always loved Salman. I have a soft corner for him. आप सबको याद होगा कि पहले सलमान खान करण जौहर के साथ मिलकर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन किसी मन मुटाव के कारण सल्लू भाईचान ने इस फिल्म से किनारा कर दिया और फिर करण जौहर ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। पर अब अक्षय कुमार के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं, और अगर अक्की की ये स्टेटमेंट सच हो गई तो जल्द ही हमें बॉक्स ऑफिस के दबंग खान और बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी का मिलन नजर आएगा। वेल, हम सब तो मुझसे शादी करोगे 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है, आप? हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज है 27 दिसंबर और आज है सलमान खान का बर्थडे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के पूरे दिन की हाईलाइट रही, जिस तरीके से कल रात को नजर आए सलमान और शाहरुख की, यानी कि प्रेम और राज, प्रेम राज एक साथ नजर आए, और सलमान खान की बर्थडे पार्टी थी जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज नजर आए और शाहरुख ना हो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शाहरुख सलमान के उन दोस्तों में से है जिन्हें सलमान अपने दिल से ज्यादा अपनी फैमिली मानते हैं, अपने फ्रेंड से ज्यादा फैमिली समझते हैं वो शाहरुख को। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक फैन ने एक फोटो शेयर की है जहां पर सलमान और शाहरुख दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं पोज करते हुए, और दोनों माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, करण अर्जुन के बाद इनको एक साथ एक फिल्म में देखने का जो सपना है ना वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा लगता है कि जब तक इन्हें एक साथ ना देख लो तब तक you know we crave to look them to see them in one picture, and जब अर्पिता की शादी हुई थी अर्पिता के टाइम पे भी एक ऐसी फोटो वायरल हुई थी, और अब यहाँ पर भी एक ऐसी फोटो वायरल हुई है। हर साल या तो शाहरुख के बर्थडे पे सलमान के बर्थडे पे ये दोनों मिलते हैं दोनों दोस्त, और इनकी दोस्ती कितनी लाजवाब है ये हम सभी जानते हैं। सो शाहरुख ने भी अपने अंदाज में सलमान को विश कर डाला है। आपने अभी तक विश किया या नहीं किया है? नहीं किया है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर विश कीजिए, आपकी एक एक विश सलमान तक जरूर पहुंचेगी। सो डू कॉमेंट एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को, और ये फोटो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। दिस इज ज्योति नाहा signing off.